साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। और भाइयों आज मैं दोराड़ा गांव में हूँ और ये देखे भाइयों सामने से आपको दिख रहा होगा ट्रैक्टर पे हमारे भैया जी, देख लो कितने बड़े गन्ने में जो है ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी चढ़ रही है। ट्रैक्टर कहीं नहीं दिख रहा खेत में और ये 17 मार्च के लगभग की गन्ने की बुआई है। और भाइयों इस खेत की पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, बिना खुदाई के स्प्रे के माध्यम से खेती कर रहे गन्ने की सारी भैया जी। और ये देख लो फार्म ट्रैक शॉर्ट चल रहा है भाइयों, दोपहर के टाइम में गोल काटी जा रही है। भाइयों मिट्टी भी देख लो कितनी अच्छी चढ़ रही है और लेजर में देखो इन्होंने क्या आविष्कार करा रखा। और गन्ना देख लो बिल्कुल बराबर 5 फुट का तो हो रहा पत्ते सुद्धा। हाँ सिर के ऊपर को उतर रहा, बिल्कुल सही कह रहे जी। तो देख लो संदीप भैया जी के खेत पे है आज फार्म ट्रैक शॉर्ट चल रहा भाइयों। भाइयों एक भी पोए का नुकसान नहीं हो रहा और इस ट्रैक्टर के माध्यम से और स्प्रे के माध्यम से गन्ने की खेती कर रहे हैं। और गन्ना भी भाइयों ऐसा है जबरदस्त, 90 और 100 क्विंटल का गन्ना निकाल रहे, इससे कम तो एवरेज ना आता होगा जी। 7 बीसे का बिगा है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। और भाइयों पौधे को देख के आपको देख लो क्लियर भी हो जाएगा वीडियो में। 120 का भी हाँ नहीं बिल्कुल सभी तरह का है, लेकिन ये देख लो कितने बढ़िया 100 का एवरेज आ जा। हाँ बिल्कुल 100 का तो देखो आई जा भाइयों, बहुत ही बढ़िया ब्यांत है खेत में। और ये 30 इंची पर बुआई हुई है, 30 की जी 28 की होगी। हाँ जी कुछ नेड़े से लग रहे खुड़। तो भैया जी से सांझ हमारी बात हुई थी तो देखो दोपहर का टाइम निर्धारित हुआ था हमारा, क्योंकि देखो खेत में नुकसान नहीं होता दोपहर के टाइम में। 38 का जो पोया है बहुत मुलायम हो जा, सॉफ्ट हो जा बिल्कुल, तो इसे जितना आप धूप में जोतोगे ठाई हो जाए एक बार पत्ते ऊपर को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे जी, बहुत बढ़िया हो रहा खेत। तो ये ट्रैक्टर से ही कर रहे थे सारा काम जी जी। तो भाइयों आज जो है भैया जी से पूरी चर्चा करेंगे इस खेत के बारे में, क्या क्या लागत, कब बुआई हुई और इसमें क्या क्या डोज इन्होंने दी, या इसी तरीके से सारी खेती कर रहे हैं अपनी। और कोई खुदाई नहीं हुई। हाँ खुदाई तो होती नहीं खैर, ना तो खुदाई करता ना बैल से बाड़ता, ट्रैक्टर से ही सारी खेती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे जी, ट्रैक्टर से कर रहे संदीप भाई हमारे खेती। और भाइयों कोई मैं आपको दोहरा दिखाना चाहूंगा खेत का, देखो अभी ट्रैक्टर आएगा जो टूट रहा ट्रैक्टर से। हाँ पोगन तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पोगा तो कैसा भी टूट ही नहीं रहा, कोई पोया नहीं टूट रहा है। हाँ जी हाँ जी। भाई भाइयों इस 38 बीज की खासियत है तो फेरी के टाइम में कैसे ही जोत लो आप, देख लो ट्रैक्टर से इसमें जरा सा भी नुकसान नहीं हो रहा कुछ भी, एक पोवे का भी नुकसान नहीं है। और लेजर में देखो कितना अच्छा काम करवा रखा भैया जी ने। मैं आपको खेत का दौरा भी दिखा दूँ एक बार कि देख लो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, 5 फुट निकाल रखे दौरे पे। एक बार बाढ़ के रोक लियो जी, आपको 72 पड़ रहा जी ट्रैक्टर सारे। वैसे एक चीज़ है पोवे को तो देखो ना बिल्कुल एकदम तेज करके मोड़ दो, बाजा बाजा पोवा तो ट्रैक्टर का पहिया उतर जाए ना। ये तो पहली जुताई से पहले ही रास्ता बन रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई पहिया घूम रहा बिल्कुल बिल्कुल। तो पत्ते कहाँ है ये मुड़ रहे जी जी। तो भैया जी आज देखो पहली वीडियो बनाई थी, काफी लोगों के कमेंट आए थे उसमें, वही खेत है जिसमें रोका कर रखी थी। हाँ हाँ इसमें कर रखी थी, घास मोथा वो देख लो जी जी जी। तो थोड़ा सा अपने किसान भाइयों के लिए आज इसमें आप जानकारी दो एक। अब यो 12 मार्च का बोया हुआ, 12 मार्च की बुआई है जी। अच्छा अच्छा ऐसे ही पेंडो की आपने बुआई कर दी, 28 इंच की बुआई हुई जी। तो बुआई में आपने क्या लगाया इसमें, डाई थी जी जी, यूरिया जी और रिजेंट। अच्छा रिजेंट डालो आप जी जी। फिर उसके बाद में जी 10 किलो डाई जी, 5 किलो यूरिया जी और 1 किलो का विवाह रिजेंट। अच्छा अच्छा जी। अब इसमें डाई यूरिया अच्छा जी और फर्टेरा अच्छा जी डाल के अब मिट्टी चढ़ा रहा। अच्छा अच्छा। तो खुदाई तो आप करते ही नहीं जी, लगभग कितने साल हो गए?
2015 से बंदी है खुदाई तो। बंदी है जी, तो थोड़ा सा ये बताओ आप खरपतवार के लिए स्प्रे कौन सा यूज कर रहे हैं जो गन्ने को भी नुकसान ना दे? मैं तो ये कर रहा हूँ रोका। रोका जी, उसके साथ में क्या क्या है? उसमें बस 240 मिल जावे जी, बस शुरू के कोर पे कर दो। सूखे में ही कोर देने से भी पहले? अच्छा, कोर देने से पहले सूखे में कर दो, 8 दिन पहले, फिर पानी 8 दिन बाद दो। तो थोड़ा सा उसके दवाई के बारे में बता दो, 240 की क्या मात्रा रखो इसमें एक एकड़ के हिसाब से? 240 तो एक एकड़ में आधा लीटर जी, आधा लीटर तो आती नहीं, वो आवे 400 ml। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं 300 या 400 ml तो बोले लूँ। हाँ जी, और 2 पैकेट रोका के। अच्छा जी, ये तो कंपनी तो पता है 3। हाँ जी, पर मैं कह रहा हूँ तो 2 पैकेट जी। हाँ जी, जो वैसा घास हो जी तो आधा पैकेट मेट्रीबुजिन का और मिला लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी, और सारे तो उससे करने को कोई नुकसान नहीं जी। हाँ बिल्कुल, 60 दिन का है, 61 दिन का, 61 दिन का हो गया, मिट्टी चढ़ा दे। अच्छा, बाकी आप जुताई अपना ट्रैक्टर से करी रही हो तो? दो बार बीच में यूरिया लगाया था इसमें जी, 3 पानी आए हुए। अच्छा, यूरिया से कुछ बता रहे कि 38 में नुकसान हो जाए? बताओ, यूरिया नहीं गिरने दे रहे लोग, बस और सामान लगा रहे इसमें सब। मैं तो बुआई से अलग दो बार इसमें पहले यूरिया गिर लिया जी जी, और तीसरा नंबर आ गया तीसरे में। अब इसमें क्या क्या डाला जी आपने? 1 कट्टा डाई जी, 1.5 कट्टा यूरिया। अच्छा अच्छा, और 1 पैकेट फर्टेर का। अच्छा, 1 फर्टेर डाल दी, 7.5 किलो जी जी, 7.5 किलो भी। तो 60 दिन की बुआई का है जी, 12 तारीख का है, 12 मार्च का बोया हुआ जी। तो भाइयों एक बार ले जा रहा और दिखाना चाहूंगा मैं भैया जी का। तो ये जो फ्रेम बनवाया जी, ये कहाँ बनवाया जी आपने? यो अपने घर ही बनाया। अच्छा, अपने घर भी बना दिया। हाँ, इसमें ये पत्ती लगाई बस, इसमें थोड़ा सा गैप मिल गया इसमें। हमारा यार है एक मिस्त्री जी, वो नए नए जुगाड़ ढूंढो जा। अच्छा अच्छा, उतना कराता है। अच्छा अच्छा, घर ही बनवा दी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर एक बुआई का तो ले आए थे हंस वालों का ले जा जी, और यो मिट्टी चढ़ाने का ही छोड़ रखा। हाँ, यो परमानेंट कर दिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पोवे का तो नुकसान होने का ही नहीं इसमें कुछ भी। खड़ा है कस्टमर यो लेजर के लिए खड़ा। अच्छा अच्छा, अब लेकर जाऊंगा यो मिट्टी चढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो देख लो भाइयों, 60 दिन का गन्ना दिखा दूं पहले मैं तो। 28 इंच की बुआई है ना भैया जी? 28 की। हाँ जी, 28 इंच की बुआई है। और देखो मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, भैया जी ने पूरे ऊपर के खेत में मिट्टी चढ़ाई, फिर दूसरे में भी आ गए इसमें नीचे। भैया खुद में दिखा दो क्या नुकसान है। हाँ इधर देख लो पहले तो आप धोरे पे, यहाँ पे आप बता भी नहीं सकते कि इसमें ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ी। यहाँ पे आप देख लो, फार्म ट्रैक 60 है, बड़ा ट्रैक्टर है, लेकिन इसमें आप पहले तो जइया के खूट देख लो, ये देख लो। और भाइयों इधर जो है मिट्टी चढ़ गई, मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, घास का कोई तुनका नहीं देखने का आपको खेत में। बिल्कुल देख लो कैसा बिल्कुल सफा खेत पड़ा है, और बहुत ही ज़बरदस्त करना 60 दिन का। अभी हमारे इधर तो कोई मट्टी वट्टी चढ़ा नहीं रहा जी, अभी हमने सबसे आगे इतना कर दिया जी काम शुरू। अच्छा ना, इससे पहले तो देखो ब्यांत, अब तो खैर ब्यांत बहुत कर गई हो। हाँ सीजली होगी वैसे तो, पर नुकसान ना आ जाता कुछ। अच्छा भैया जी एक जानकारी और दो, जैसे आप 28 इंची पे जैसे आप गन्ना लगा रहे जी, मतलब एवरेज क्या आ जाए आपका लगभग? मैं तो अब तक 27 पे बोया था जी सारा। अच्छा जी, 28 तो आपका करा, 28 आपका करा जी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो 27 में भी टायर ठीक आ जाते हैं? सेंटर तो इसका 27 ही है जी, 28 नहीं इसका सेंटर। अच्छा 27 ही है। हाँ, फर्म ट्रैक का जो सेंटर है जी जी वो 27 ही है। अच्छा अच्छा, 27 पर सेंटर में जी जी। अब ये खोड और अलग खाली छोड़ रखा। अच्छा अच्छा, महसूस तो नहीं हुआ होगा? ना ना ना, हाँ खोड निकाल लेते जी आगे जी। बोए 5 है। अच्छा बोए 5 है, ये हो रहा इसका, यहाँ लाभ मिलेगा ठीक है। सही कह रहे हैं। हाँ अब ये खुल गए रास्ते। हाँ ये रास्ते खुल गए, जैसे आलू की बुआई हो गए जी जी जी, और आलू में खुले जामे। हाँ बिल्कुल, हर खोड में समान पानी घूमे। बिल्कुल बिल्कुल, पानी भी बिल्कुल बढ़िया बराबर चलेगा एकदम। अगर ये खोड बुझा था हाँ तो ये रास्ते इस तरह नहीं खुलते। हाँ बिल्कुल, फंस जा सारी गुल्लों के ऊपर को, एक गोल से दूसरे गोल में हाँ पानी चला जाएगा, सारी गोल ढह जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख लो भाइयों ऊपर ले, मैं तो उसमें तो चढ़ा दी थी 55 दिन के में। अच्छा एक चीज बताओ, जैसा कुछ ये 38 में तो देखो बिना खुदाई के, एक हमारे गांव में भी है जी ताऊ जी, वे भी कर रहे ऐसी खेती, लेकिन जैसा बतावा कि खुदाई से ब्यांत आवा निकल गया, इस खेत में तो कोई ब्यांत की कमी नहीं है? मैं यही तो कर रहा हूं। पर का गन्ना बोया था कैसा जी साबती? यो खुद भी रे आए और। अच्छा अच्छा, 5 दिन पछता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। देखिए ब्यांत, ब्यांत की तो कोई कमी नहीं इसमें। देखिए ब्यांत फंसा पड़ा, बिल्कुल फंसा पड़ा खेत, बहुत बढ़िया खेत पूरा फंसा पड़ा। हाँ बिल्कुल, कितने गन्ने हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कैडा ब्यांत है जी। और जब ज्यादा ब्याह चाहिए तो फिर छोटा क्यों बोरे? बिल्कुल बिल्कुल,
वो तो इसके हिसाब से अभी ब्याज ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी ब्याज ज्यादा है। तो भैया क्या एवरेज आया आपका बीघे का लगभग देखा कोई? एवरेज एवरेज के चक्कर में तो मैं रहता नहीं। अच्छा अच्छा नहीं फिर भी नॉर्मल था एक अपना जैसे लोग बाग ट्रेंच पा रहे और शादी बुआई में मतलब सात विषय में क्या एवरेज चीज को बताने में जी जब बता के चले जाओ ना। हाँ जी जब गाड़ी मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ हर एक दो आदमियों के बीच में खड़े होकर एवरेज बता दो। बिल्कुल बिल्कुल तो जब चले जाएंगे तो आदमी कहेंगे अरे हाँ इतना लिख दिया झूठ बोल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। हाँ ना ना सही सही चलो चलो छोड़ो उस बात को तो कोई नहीं। तो भाइयों देख लो आप जबरदस्त खेत है एवरेज का आप खुद पता चल जाएगा जो खेती करने वाला आदमी हो तो अपने आप समझ जाएगा। तो भाइयों सारे खेत में मिट्टी चढ़ गई पाँच चार खूड़ बच रहे थे वीडियो बनवाने के लिए। तो बाकी आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। ये देख लो भाइयों इस खेत में जो है कल मिट्टी चढ़ाई गई थी और पानी दे दिया और ये खेत कमा के इन्होंने फिट कर दिए। सारी खेती जो है बड़े ट्रैक्टर से और बिना खुदाई के बहुत ही आसानी से बढ़िया खेती कर रहे हैं भैया जी। तो आज स्पेशल वीडियो आपको इसी चर्चा पर मिलेगी। नमस्कार।